फ्रेंड्स, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस का आंसर। आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड। हम जो भी चाहते हैं वो सब नहीं होता, लेकिन जो भी होता है वो हमारी चाहतों का ही परिणाम होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, चाहे आप कुछ भी सीखना चाहते हो, एक इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है, मीन्स वो चीज़ हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है और अंदर लगन भी होनी चाहिए। अब हम जिस तरह से, मीन्स हमारे अंदर जितनी लगन होगी उसी हिसाब से हम सीखते भी हैं। उसका एक मापतौल होता है, हमारे अंदर जिस चीज़ के प्रति जितना इंटरेस्ट होता है उसी हिसाब से वो चीज़ भी हमको मिलती है, और हम उसके लिए जितना समय दे रहे हैं उसके हिसाब से ही हमें वो चीज़ मिलती है, हमारे पास वो चीज़ आती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेज में मैंने आपको बताया था यूज ऑफ अबाउट टू, गोइंग टू एंड टू। मीन्स अबाउट टू, गोइंग टू और टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी सेंटेंसेस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए चलते हैं। मैं मेकिंग फार्मूला लिखने नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा वो प्रोसेस हो जाएगा, आप समझ लेना सेंटेंसेस से। ठीक है, वह बुक नहीं खरीदने वाला है। इसका मेकिंग फार्मूला मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वेरी इजी, मीन्स द मेकिंग फार्मूला ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इजी, क्योंकि आपने इज आर एन का जो पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि सारे स्टेप्स में मेकिंग फार्मूला एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, और इसमें तो हेल्पिंग वर्ब चेंज भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वाज वर, यही सब आएगा। तो देखते हैं, वह बुक नहीं खरीदने वाला है। ही इज क्या है, नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब इज आया, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। ही इज नॉट गोइंग टू बाई बुक। दूसरा, He is not about to buy book. तीसरा, He is not to buy book. ठीक है फ्रेंड, सिंपल है, वेरी सिंपल। हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा not. ठीक है दोस्त, वह मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला था, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला था, तो आई वॉज नॉट गोइंग टू help you, या I was not about to help you, और तीसरा क्या है, जगह नहीं है, आप समझ लेना, I was not to help you। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना आपको, तो आप इसको अच्छी तरह से लिख लेना और समझ लेना। मैं अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, क्या वह तैरने वाला है, क्या वह तैरने वाला है, तैरने वाला है मतलब तैराक नहीं है, मीन्स तैरने जा रहा है, यानी कि क्या वह तैरने जा रहा है, मीन्स तैरने वाला है वो, मीन्स ऐसा मत समझ रहे कि तैरने वाला है मतलब वो तैराक है, तो तैराक का यहाँ पर इंग्लिश नहीं लिखेंगे, तैरने वाला मीन्स वर्ब,
तैरने जा रहा है वो, ठीक है, इज ही गोइंग टू स्विम या इज ही अबाउट टू स्विम या इज ही टू स्विम, ठीक है फ्रेंड। अभी हम इस इंटरोगेटिव में नेगेटिव लिखते हैं, एक सेंटेंस वैसा लेते हैं हम, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, क्या वह तुम्हारी मदद नहीं करने वाला है, तो इज हम दो तरीके से बना सकते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि एक हम शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और एक फुल फॉर्म में, मीन्स इज ही नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा फ्रेंड, इजंट, यानी नॉट इधर आ जाएगा तो इजंट हो जाएगा, इजंट ही गोइंग टू हेल्प यू। दूसरा फॉर्मूला, इजंट ही अबाउट टू हेल्प यू। तीसरा, इजंट ही टू हेल्प यू, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से लिख लेना, फॉर्मूले को समझ लेना, फॉर्मूला भी इजी है, बहुत ही इजी है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में हम अबाउट टू गोइंग टू का क्वेश्चन वर्ड पढ़ाएंगे आपको, क्वेश्चन वर्ड रह गया है, आज ही पढ़ा सकता था लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो और आपको देखने में कंटाला आए, बोर मारने लगे। काफ़ी लोग मतलब मिस बोलते हैं ना यार वीडियो बहुत लंबा है, देखने में बहुत बोर फील होता है, तो इसके लिए ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे। और एजुकेशन है, इसमें 10 मिनट आप नहीं देख सकते बैठ के, तो फिर 2 घंटे का क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं आप फ्रेंड। 2 घंटे का क्लास आप अटेंड करने जाते हैं या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, पैसे देकर वहाँ पर बैठते हैं और रोज़ जाते हैं, तो आप घर पे क्या 10 मिनट बैठ के, घर में ही बैठ के, वो भी फ्री में, आप वीडियो नहीं देख सकते? और बिल्कुल किसी भी क्लास से कम नहीं है फ्रेंड, ये किसी भी क्लास से कम नहीं है। मैं अपनी क्लास में जिस तरह से पढ़ाता हूँ कहीं उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से विस्तार से यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो जाते जाते मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप बिना मिस किए हर क्लास को अटेंड कर सके। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट और धन्यवाद फ्रेंड्स। ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरह से समझ कर और बना लेना, ठीक फ्रेंड। ओके बाय।